मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हम पार्ट पांच में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के विषय में अध्ययन करा रहे हैं, आज हम उसी के आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को हमने खनिजों का वर्गीकरण तो समझाया था, उन्हीं खनिजों में कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं जो हमारे देश में उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उनमें से सबसे प्रमुख जो है लौह अयस्क, आज हम लौह अयस्क खनिज के विषय में चर्चा करेंगे। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करता है। कितना करता है? 3/4, यानी 3/4 भाग का योगदान कौन करता है? लौह अयस्क। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत की अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात भी किया जाता है। निर्यात का मतलब होता है हम दूसरे देश में बेचते हैं, अपने देश की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद जो भी धातु बचता है वो हम विदेशों में निर्यात कर देते हैं। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। इसको हम जो है लोहा को यानी लौह को औद्योगिकों का विकास की रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ का मतलब होता है बहुत ही आवश्यक सामग्री। कि आप देखते हैं जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जितनी भी मशीनरी, जितने भी पुर्जे लगे होते हैं, सब वो लौह से संबंधित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लोहा औद्योगिक क्रांति के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। भारत क्या है? लौह उत्पादन उच्च कोटि का लोहा हमारे देश में मिलता है, जिसमें लोहांश की मात्रा 70% होती है। लोहांश की मात्रा कितनी होती है? 70% तक के लोहांश की मात्रा हमारे देश में ऐसा मतलब अच्छी क्वालिटी का लोहा पाया जाता है। इसी में दूसरी मात्रा में जो है मैग्नेटाइट में भी थोड़ी इससे कम मात्रा होती है, लेकिन फिर भी लोहे की जो मात्रा होती है कितनी होती है? 50 से 60% होती है। 50 से 60% लोहा मैग्नेटाइट में भी पाया जाता है। हम कुछ आपको ग्राफ के माध्यम से लोहा उत्पादक क्षेत्र बताएंगे। ये आपका सर्किल है, इसी में आपको हम कुछ क्षेत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। अब इसमें देखो कितने क्षेत्र दिख रहे हैं, ये सारे क्षेत्र हैं काहे के? लोहा उत्पादक के। ये सारे क्षेत्र काहे के हैं? लोहांश के। ये सारे क्षेत्रों में लोहांश मिलता है, लेकिन आपको मात्रा जानना है। जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये इसका भाग यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है, इस क्षेत्र कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे अधिक लोहा की प्राप्ति होती है। कितने प्रतिशत लोहा उड़ीसा में मिलता है? 23%। हमारे देश का कितने प्रतिशत लोहा उड़ीसा मिलता है? 23%। हमारे देश में उड़ीसा में जो लोहा की मात्रा है वो कितने प्रतिशत मिलती है? 23% मिलती है। ये तो ये क्षेत्र जो है उड़ीसा में हमारे देश में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। कितना इसका भाग है? 23%।
और इसके बाद सबसे अधिक जो मिलता है झारखंड में मिलता है। यह स्थान है झारखंड का। झारखंड में कितने प्रतिशत मिलता है? 28%। झारखंड में कितना मिलता है? 28%। इसके बाद कहां मिलता है सबसे ज्यादा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, ये क्षेत्र आपका क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना मिलता है? 19%। यहां कितना मिलता है लोहा? 19%। इसके बाद कर्नाटक, ये क्षेत्र किसका है? कर्नाटक का। कर्नाटक में कितना मिलता है? 11%। और जो का सबसे कम है वो है आपका अन्य। यहां 9% जो भाग है अन्य। इतना आपका भाग हमारे भारत में लोहा मिलता है। सबसे ज्यादा लोहा किस राज्य में मिलता है? उड़ीसा में। उससे कम झारखंड में। पहला स्थान उड़ीसा का। उड़ीसा के स्थान लोहा उत्पादन में क्या है? प्रथम। लोहा उत्पादन में उड़ीसा के स्थान कौन सा है? प्रथम। झारखंड का कौन सा है? द्वितीय। और छत्तीसगढ़ का है तृतीय स्थान। और कर्नाटक का है चतुर्थ स्थान। और अन्य का मतलब होता है अन्य जो देशों, अन्य प्रदेशों में, जैसे आपका इसी के अगल बगल है, जैसे कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में भी थोड़ा थोड़ा लौहांश पाया जाता है। तो ये आपका कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसे जरूर समझना है सभी बच्चे को। कोयला मतलब लोहा को क्या कहते हैं? उद्योगों के रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है उद्योग बगैर लोहा के चलाना असंभव है। इसलिए कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में लोहा का स्थान सर्वोपरि है। सर्वोपरि है यानी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में लोहा क्या है? रीढ़ की हड्डी है। समझ में आ गया? ये क्षेत्र आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आपको आज यहीं तक समझाएंगे। चलिए अच्छा थोड़ा सा और देख लेंगे मैग्नीज। मैग्नीज को भी हम देख लें। इसको इरेज कर दे रहे हैं। मैग्नीज उत्पादन के भी हम भारत के क्षेत्र देखेंगे। पहले हम मैग्नीज के बारे में समझ लें। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है? ये भी आपका इस्पात के जो निर्माण होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज का उपयोग हम किन किन वस्तुओं में करते हैं? पहले तो आपको इस्पात निर्माण में करते हैं। जैसे आपको अगर एक टन इस्पात निर्माण करना है तो उसमें कम से कम 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगी। और इससे भी महत्वपूर्ण है जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, कीटनाशक दवाएं हैं, पेंट है, ये सब बनाने में भी मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका थोड़ा सा ग्राफ इसका भी समझ लीजिए। ये आपका सर्किल है। ये चार भाग हैं। तो सबसे ज्यादा जो भाग है आपका, हम स्टेट लेवल से देखेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा
ये उड़ीसा में कितने प्रतिशत है? 25%। ये उड़ीसा है। और इसके बाद मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 24%। और कर्नाटक में 22%। यह है कर्नाटक। और 29% अन्य का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य राज्यों में भी मैग्नीज पाया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। इसमें भी कौन सा सबसे बड़ा है? उड़ीसा। और सबसे बड़ा कौन सा है? उड़ीसा। और इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक और अन्य। अन्य में मतलब जो आप आसपास के हैं, है जैसे मान लीजिए झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इधर तमिलनाडु है, केरल है, इन राज्यों में भी मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है। तो आज हम आप लोगों को लोहा क्षेत्र और मैग्नीज क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया है। अगले टर्न में आगे हम समझाएंगे। सभी बच्चे इन बिंदुओं को समझने का प्रयास जरूर करेंगे। सबसे अधिक और सबसे कम दो पॉइंट बहुत आवश्यक होते हैं। धन्यवाद।